NS classes, my name is Neetu. आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB का जो पेपर है आज हम एनालाइज करने वाले हैं, यानी कि जो बच्चे DSSB TGT के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों उनके लिए काफी हेल्पफुल है वीडियो। क्यों? क्योंकि उनको इस वीडियो से क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से सब्जेक्ट में से जो है ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता और मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट को छोड़ देती हूँ, बाकी जो 9 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट है उनको मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता है। क्या पता आपने जो सब्जेक्ट छोड़ा हो वही सबसे ज्यादा वेटेज रखता हो तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, और इतना लॉस हो सकता है कि शायद आप अपने एग्जाम को क्लियर भी ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए जो है लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम पे जो 2017 में आपका TGT का एग्जाम हुआ था उसी को जो है आज हम एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा कम रखता है, किस सब्जेक्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जो है आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में, यानी कि पेपर को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर। को किसका पेपर है? DSSB TGT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB TGT की, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों के लिए, तो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं 2017 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा भी है, यानी कि टोटल 10 और 12 जो है 11 जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पर जो है मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नेटवर्किंग में से आपके 14-16 क्वेश्चन आए थे भाई। तो नेटवर्किंग मैं बार बार कहती हूँ कि नेटवर्किंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, चाहे वो TGT एग्जाम के लिए, चाहे PGT, नेट या गेट, हर किसी में जो है ये सब्जेक्ट अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो आप नेटवर्किंग को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेटवर्किंग आपको बहुत ही अच्छे से जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पेपर जो है आप लोगों के लिए काफी, ये सब्जेक्ट जो है आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में करवा चुके हैं, यानी कि 14-15 क्वेश्चन जो है आपके कवर हुए थे 2017 के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद देखो यूनिक्स, तो अगर OS आया है तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिक्स भी आता है। तो यूनिक्स जो है वो भी काफी अच्छी खासी वेटेज रखता है, यानी कि 8 मार्क्स की। तो टोटल आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लस यूनिक्स वाला पोर्शन जो है आपका कवर करेगा 20-22 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि अगर एक ही चीज में से आपके 20-22 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं तो भाई इससे ज्यादा अच्छी बात तो है हो ही नहीं सकती। उसके बाद देखो C++ भी जो है काफी अच्छा खासा वेटेज रखती है, और C++ में से मैं बार बार कह चुकी हूँ C++ में से जो भी आपकी जो उप्स के कंसेप्ट है वहां से जो है डायरेक्ट जो है उनके डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इनहेरिटेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आपका डेटा बाइंडिंग क्या होता है, डेटा ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है, तो इसके बेस पे जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जो है ये चीजें बहुत अच्छे से, जितने भी उसके जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो C++ हो गया आपका, नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स हो गया। अब देख लो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से भी आपके 4-5 क्वेश्चन आए हैं, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम 4-5 मार्क्स का आया है इस बार भी उतना ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है अगेन आपका 4-5 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रख रहा है। उसके बाद देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी आपके 4-5 मार्क्स जो है यहाँ पर कवर हुए हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो आपका 2-3 मार्क्स का जो है वेटेज रख रहा है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन आए थे। MS ऑफिस में से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 5 या 5 से 7 तक तो आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो MS ऑफिस को जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 या 7 जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखो HTML बहुत ही इजी टॉपिक है, एक दिन की क्लास में जो HTML कवर अप हो जाता है, तो HTML को तो कोई भी कर सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन जो है आपको फ्री में ही मिलेंगे अगर आपने एक बार HTML कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है HTML के क्वेश्चंस को कवर अप जो है अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, उसके बाद देखो आपका सी ऑपरेटर में से भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो सी और सी प्लस प्लस जो है वो कम से कम 10-12 मार्क्स का जो है आपके एग्जाम में वेटेज रख रहा है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको ये भी ध्यान से देखना है कि उस सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि यही स्मार्ट जो है टेक्निक होती है।
क्योंकि अगर आप बिल्कुल पागल ऐसे, अगर आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा सिलेबस ये है, हाँ ठीक है, डिटेल में पढ़ने लग गए, और वो डिटेल में पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा। आपको ये चीज देखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा मार्क्स का जो है एग्जाम में पेपर आ रहा है, और कौन सा टॉपिक जो है वो हर बार रिपीट होता है, यानी कि ऐसा वो टॉपिक जो कभी भी एग्जाम में स्किप नहीं करता, एग्जामिनर हमेशा उस टॉपिक में से क्वेश्चन डालता है, तो आपको वो टॉपिक भी बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने पूरा जो है पेपर एनालिसिस कर लिया है, सारे सब्जेक्ट्स को हमने डिटेल कर लिया है। तो अब आपका जो मेन फोकस रहने वाला है, मेन फोकस आप किस पे रखोगे? मेन फोकस आपका रहेगा नेटवर्किंग पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स पर, सी प्लस प्लस पर, सी पर, डीबीएमएस पर, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस को साथ कर दो क्योंकि सी और सी के ऑपरेटर ज्यादा नहीं होते, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल, तो और एमएस ऑफिस, इन सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ओएस हमारा कंप्लीट हो चुका है, डीबीएमएस भी हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है, एक दो क्लास रहती है, उसके बाद सी प्लस प्लस के फीचर जो उप्स के जो कंसेप्ट है वो मैं करवा चुकी हूँ, डिजिटल भी के कुछ जो एक दो टॉपिक जो है स्टार्ट हो चुका है आपका, डीएस का भी कुछ पोर्शन स्टार्ट हुआ है, नेटवर्किंग का भी काफी कुछ हो गया है। ठीक है, तो ये देख लो कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपका पहले ही करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप जो है एग्जाम में अच्छा खासा जो है स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम जो है वही टॉपिक कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। तो नेटवर्किंग जो है हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में करना है, जहां जिस 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 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमें उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा जो सिनेरियो है वो समझ में आया होगा, ये करवाने का मेरा एक ही मोटिव है, ताकि आपको जो है एग्जाम को एनालाइज करने में इजी रहे, आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन सा जो है आप अगर छोड़ भी दो तो आपको जो है उसके ऊपर इतना ज्यादा आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, एज कम्पेयर टू अगर आपको नहीं पता और आपने ज्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आपको जो है लाइफ टाइम जो है उसकी चीज का अफसोस रहेगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी एक तो आती नहीं, और आती है तो उसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और पूछना है टीजीटी टीजीटी डीएसएसबी के टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा मोटिव यही था कि डीएसएसबी की टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो प्रिपरेशन कर जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम लास्ट ईयर एग्जाम में किस तरीके का पेपर आया था, और कौन कौन से सब्जेक्ट में से ज्यादा मार्क्स का आया था, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही होता है, सबसे पहला काम होता है सिलेबस देखना, सिलेबस देखने के बाद हम प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर उठाने के बाद हम उसमें देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छा खासा वेटेज रखता है, और जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो वो जो है आपका एक स्मार्ट वे हो जाएगा, स्मार्ट, क्योंकि आपको जो है अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही चलोगे तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको मेहनत तो करनी है लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वे भी करना है, ताकि जो है आपको एक बार में ही एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि डीएसएसबी का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर कभी भी कंडक्ट हो सकता है, तो इसलिए जो है अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, आई होप आपको आपके लिए वीडियो जो है वो काफी यूजफुल होगी, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।